में किसी ने पैरों से ट्रेन में से धकेल दिया जोर से, यू ब्लडी ब्लैक ब्राउन पर्सन, यू यूजलेस पीपल। बस उसी के कारण उसके जीवन में इतना बदलाव हुआ, वही आदमी इतना महान बन गया बाद में, और इतना महान काम कर दिया उसने, क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी जिसमें उसे धकेल दिया गया, और फिर वो समझ में आया उसके कि अब चुप रहना गैर है। तो वही आदमी महात्मा गांधी बना। तो ये घटना थी जिसने जिसके कारण उसका जीवन बदला। तो ऐसी कोई भी घटना आपके जीवन में घटती हो, याद रखो वो आपको बदलने के लिए है। उस पर गुस्सा मत करो, उस पर विचार करो, उसको गालियाँ मत दो उस आदमी को, क्योंकि वो अच्छा काम किया उसने। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो हमको महात्मा गांधी नहीं मिलते, और वो भी इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। नहीं, मुझे कुछ करना है। ऐसे ही हर एक आदमी को जीवन में कुछ तो भी प्रेरणा मिली है, ऐसे गलत और गलत तरीके से, या कह सकते हो आप ऐसे उस पर आसमान टूट गया और गलत तरीके से उसके साथ लोगों ने बिहेव किया, लेकिन वही एक प्रेरणा है जो आदमी को कुछ अलग करने को कराती है। इसलिए जो श्री कृष्ण ने कहा वो सच है, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि वो नहीं होता तो तुम्हारे जीवन में बदल नहीं होता। एकलव्य द्रोणाचार्य के यहाँ से सीखना ही चाहता था, क्योंकि वो उसके पास और कुछ चारा नहीं था। क्यों सीखना चाहता था उसी के पास से, और क्यों उनको गुरु मान लिया, और क्यों इतनी चाहने की उसकी इच्छा हो गई, तो वो एक मजबूरी थी। याद रखना, ये कोई भी मजबूरी आती है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम कर जाती है। इसलिए वो मजबूरी को गलत मत समझना, ऐसे डिप्रेशन में मत जाना, दुख मत करना बहुत, लेकिन उस मजबूरी को एक सबक समझकर तुरंत बदल लेना। नदी को बहुत बड़े पत्थर आते हैं रास्ते में, उनको कुछ नहीं करती वो कहती है मैं रास्ता बदलूंगी, मैं समंदर तक पहुंचूंगी, वही मेरा गोल है। तुम बीच में आओ, तुम्हारा काम ही है बीच में आना। आज शायद तुम बीच में आते हो, या तुम्हारे लिए अच्छा हो या ना हो मुझे मालूम नहीं, मैं तो रुकूंगी नहीं, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी, मैं मेरा व्यक्त नहीं गवाऊंगी, तुम कुछ भी करते रहो, मैं तो आगे जाऊंगी, मैं मुड़ूंगी, मैं नम्र रहूंगी, क्योंकि मेरा गोल इम्पॉर्टेंट है। मैं कुछ देर के लिए पीछे आ जाऊंगी, मैं नीचे जाऊंगी, मैं तुम्हारे पैर धोऊंगी, लेकिन मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि मुझे रुकना गनीमत है। ऐसे ही जिंदगी में कई पत्थर आएंगे, कई प्रॉब्लम्स आएंगे, तुम रुको मत। नदी सब कुछ करके भी देखो, कहती है मैं नदी, सब कुछ देकर भी वो कहती है मैं नदी। क्या नम्रता है और क्या गति है, और सबकी गंदगी धोकर भी कितनी खुश खड़ 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 घूमते रहती है, तुम्हारी गंदगी धोती है, तुम्हें कुछ गाली नहीं देती, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है समुंदर तक पहुंचना है। बस लक्ष्य याद रखना है, समुंदर तक पहुंचना है, समुंदर तक पहुंचना है, बस ये लक्ष्य याद रखना है। बीच में गंदगी आएगी, बीच में प्रॉब्लम्स आएंगे, बीच में पत्थर आएंगे, पत्थर फेंकेंगे लोग, पत्थर आएंगे, गंदगी फेंकेंगे अपने ऊपर, बस जवाब नहीं देना है उनके तरीके से, अपने तरीके से जवाब देना है। अपने को समुंदर तक पहुंचना है, अपने को आसमान तक पहुंचना है, भाप बनकर और वापस उन पर बरसना है। उनको तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमारा बरसना भी उनके फायदे का है, और हमारा नीचे झुकना भी तुम्हारे क्या हमारे भी फायदे का है, क्योंकि हम तो एक पल के लिए झुके, तुम हर दम ऊपर सीना तान के बैठे, लेकिन तुमको कुछ फायदा नहीं हुआ, तुम वहीं के वहीं रहे, हम समुंदर तक पहुंच गए। बस नदी की तरह शांत रहो, स्थिर रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, फिर वो बूंद पानी का पहुंच जाता है समुंदर तक। वो बड़े बड़े पहाड़ अपना गरुर लेके बीच में ही खड़े रहते हैं, वो वहीं के वहीं रह गए, और ये देखो पहुंच गए। ये गरुर वालों को छोड़ दो, उनके साथ झगड़ना छोड़ दो, कोई पत्थर के साथ अपना सर पटक के फायदा नहीं होता, ऐसे पत्थर बहुत मिलेंगे, सर पटको मत उनके साथ, उनको उनकी मस्ती में रहने दो, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम कितना भी समझाओ, पत्थर पत्थर है, पत्थर दिल है, तुम आगे जाओ, तुम शांत रहो, स्थिर रहो, अपने लक्ष्य को सामने रखो, फोकस फोकस एंड फोकस। डॉक्टर वैभव लुंकर का नमस्कार।